यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक मैं आज करा रहा हूँ आप लोगों को, ये 20 to 25 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स आते हैं। नहीं हो रहा बच्चे ना रहे। ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मार्क्स के आते हैं, थियोरटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम आज डिस्कस कर लेंगे एक साथ। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक पूछा जाता है, अभी मैंने पीडीए पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया आपको, लेकिन पीडीए क्या होता है ये भी एक ऑटोमेटा है। और ऑटोमेटा में क्या होता है, हमारा हर किसी ऑटोमेटा में एक कंट्रोल होता है। सॉरी यह हटा था। हर ऑटोमेटा में एक हमारे पास होता है कंट्रोल, इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है मेमोरी और एक होता है आपका इनपुट। तो इसमें क्या होता है, ऑटो पुशडाउन ऑटोमेटा में आपकी मेमोरी की जगह स्टैक होता है। तो इसमें हम जब रीड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको प्रूफ करना है ए बी और बी ए, ये हम रेगुलर लैंग्वेज में एक्सेप्ट, ये है डब्लू डब्लू आर टाइप की लैंग्वेज है जिसमें कि डब्लू का और डब्लू का रिवर्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास इनपुट में क्या है ए बी बी ए, तो पहले ए को अंदर डाल देते हैं स्टैक में, फिर बी को अंदर डाल देते हैं स्टैक में, फिर अगली बार जब इस बी को पढ़ रहे होते हैं तो इस बी को पॉप कर देते हैं, फिर जब बी को पॉप हो जाता है तो ए ऊपर आ जाएगा, तो ए से ए को पॉप कर देते हैं। इस तरह से ये हम मैचिंग करते हैं। तो ये आपके जो रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर ग्रामर का लैंग्वेज है उसमें इसको हम नहीं कर सकते हैं। उसमें हम आप इसको यूज इसको नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रोसेसिंग जहाँ पे आती है, जहाँ पे हमें कुछ रिमेम्बर करना पड़ता है, हमें डब्लू डब्लू आर को रिमूव चेक करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिमेम्बर करना पड़ेगा। तो रिमेम्बर करने के लिए हमें स्टैक चाहिए होता है, तो इस तरह की जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हम कहते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है जी। तो पुश डाउन ऑटोमेटा में बस इतना समझ लीजिए, मेमोरी की जगह हम जहाँ पे क्या यूज करते हैं स्टैक, कंट्रोल में वही होता है ट्रांजिशन फंक्शन और इनपुट सिंबल होता है। तो टू स्टैक पीडीए है क्या, अब जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है टू स्टैक पीडीए। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अगर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, नोट्स मैंने बना के आपको भेजे हुए हैं, आप नोट्स देखना जो आज भी मैंने शेयर किए हैं आपके, उस पर मैं थोड़ा सा बड़ा करके नोट्स को दिखाता हूँ। इसकी थ्योरी लिखी हुई है पूरी, तो थ्योरी तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे, जो मैं बता रहा हूँ वही थ्योरी लिखी हुई है, उस थ्योरी को मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको ये पेज पढ़ने में इजी होंगे। वैसे आप देखोगे तो थ्योरेटिकल है, मैं अभी समझा दे रहा हूँ कैसे हम करते हैं इसको। ठीक है, देखिए इनपुट टेप है, टेप हेड है, ये स्टैक वन स्टैक टू मेमोरी है, ये आपका कंट्रोल यूनिट है, ये इनपुट टेप हो गया आपका, ये आपका इनपुट टेप हो गया, ये आपका स्टैक वन और स्टैक टू हो गए जो मेमोरी ब्लॉक हैं जिनको हम यूज करेंगे, और ये आपका हो गया कंट्रोल जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, कंट्रोल को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। अब देखिए ये सब समझाया गया है इसमें, ये हम इस वाली लैंग्वेज को कैसे बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा अभी आपको, केवल ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मैंने लिखा है इसमें इसी को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में, क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ वी सिमुलेट द टी एम एंड टू स्टैक पी डी ए, हम ट्यूरिंग मशीन और से
ट्यूरिंग मशीन को टू स्टैक पीडीए से कैसे सिमुलेट करते हैं, ये क्वेश्चन 2 to 4 मार्क्स का पूछा गया है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है हम कैसे करते हैं। ये चीजें मैं बाद में दोबारा डिस्कस करूंगा जब आपको ट्यूरिंग मशीन पढ़ाऊंगा, तब और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको बस मैं समझा दे रहा हूँ तो आपकी समझ में आ जाएगा। इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि पुराना कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जो मैंने दिखाया आपको इतने पेज, ये पेज की जो थ्योरी है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। तो अब थोड़ा सा आपको अपनी पेन और पेपर लेना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, जिससे कि आपकी ये समझ में आ जाए आराम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था आपको कि टू स्टैक पीडीए में क्या होता है, ये मेमोरी टेप होता है एक, इसे इनपुट टेप बोलते हैं, और इसमें दो स्टैक होते हैं। दो स्टैक क्यों लिए इसको बताएंगे अभी हम आपको। ये टेप हेड होता है, ये हेड जो है लेफ्ट टू राइट मूव करता है, ये बात ध्यान रखिएगा, लेफ्ट टू राइट मूव करता है, और ये कंट्रोल जो है फाइनाइट कंट्रोल, ये दोनों से, दोनों स्टैक, स्टैक वन और स्टैक टू, दोनों से इंटरेक्शन करता है। अब देखिए जरा, हम समझाते हैं आपको कि हमें टू स्टैक की जरूरत क्या पड़ी। टू स्टैक की जरूरत वहां पे पड़ती है जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया था WWR, तो इसके लिए तो क्या है कि इस स्ट्रिंग को सेव करना है और इसको चेक करना है। अगर अब मैं आपको बताऊं कि अब आपको प्रूफ करना है, अब आपको चेक करना है a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, इसके लिए ऑटोमेटा बनानी है, तो इसे हम सिंगल स्टैक पीडीए से अगर आप चेक करोगे तो आप इसको नहीं कर सकते हो, सिंगल स्टैक पीडीए से आप इसको नहीं कर सकते हो। सिंगल स्टैक पीडीए से इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या करोगे, ए को डाल दोगे, बी को डाल दोगे, फिर सी को कैसे चेक करोगे, ये बात होती है। ए को चेक कर लिया, बी को, सी को कैसे चेक करेंगे, फिर ये प्रॉब्लम आएगी। अगर ए आ गया, बी आ गया, फिर सी से कैसे चेक करेंगे, ये प्रॉब्लम आएगी डबल स्टैक में। तो टू स्टैक पीडीए में क्या होता है, हम कैसे करेंगे ये काम, देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो स्टैक्स हैं, स्टैक वन स्टैक टू, क्या करेंगे हम, पहले ए जब आ रहा है सारे ए को रीड करते जाएंगे और स्टैक वन में पुश करते जाएंगे, ये एन तक आ गया। अगली बार जब बी आएगा तो सारे बी को स्टैक टू में पुश करते जाएंगे और खत्म हो जाएगा। अब ये दोनों जब खत्म हो जाएंगे तो कौन आएगा, सी, क्योंकि ये सीक्वेंस है, ध्यान रखिएगा, ए जब खत्म हो गया और बी स्टार्ट हो गया दोबारा ए नहीं आएगा, और बी खत्म हो गया सी आ गया तो दोबारा बी नहीं आएगा, ये सीक्वेंस है, ये हम आपको शुरुआत से ही समझा रहे हैं, सीक्वेंस बहुत मीनिंग रखता है यहाँ पे। अब जब हम सी देखेंगे, जब एक सी देखोगे आप, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक पॉप कर दो, इसमें से एक पॉप कर दो, आउट, पॉप आउट, जब एक सी पढ़ा दो, ऐसे ही एन सी पढ़ेंगे और एन टाइम्स ये पॉप कर दोगे आप। तो इस तरह से ये टू स्टेप पीडीए जो होता है वो इजी होता है, ये मोर लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, मोर लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकता है देन द सिंगल स्टैक पीडीए। सिंगल स्टैक पीडीए से ज्यादा लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकता है, और ये ट्यूरिंग मशीन को भी सिमुलेट कर सकता है, ये ट्यूरिंग मशीन को भी सिमुलेट कर सकता है। अगर ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट करना है
तो हमें टू स्टैक PDA यूज करनी पड़ेगी। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि जो आप PDA से जो अगर आपको कोई पूछता है कि ट्यूरिंग मशीन से जो एक्सेप्ट हो सकता है क्या वो PDA से भी हो सकता है, कि हो सकता है लेकिन बसरते वो किसके साथ हो, टू स्टैक PDA। तो यही क्वेश्चन आपको समझाया गया है। अब जरा एक बार यहाँ पर नोट्स में देख लेते हैं कैसे कराया गया, ये आप चेक करिए, ये फ्लो चार्ट जरा देखिए, ये फ्लो चार्ट है, इसको जरा अपनी कॉपी पर नोट करिए आप लोग, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से विजिबल होगा आप सब लोगों को, फ्लो चार्ट पूरा विजिबल है आप लोगों को। ए की पावर एन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन के लिए टू स्टैक PDA डिजाइन करना है, डिजाइन टू स्टैक PDA, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहले इस डायग्राम को देखें, जो मैंने समझाया है उसी का फ्लो चार्ट है, किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो पूछ सकता है। इसको नोट कर लीजिए, देखिए मैं समझाता हूं आपको इसमें कैसे काम हो रहा है। देखिए यहां पे हमारे पास ए आ रहा है, अगर ए रीड करता है, देखिए यहाँ पे ये डायग्राम में ए रीड करता है तो पुश वन, वन मतलब स्टैक वन, स्टैक वन में ए डालते जाएंगे, फिर स्टार्ट पे जाएगा, फिर ए को रीड करेगा, तो ये लूप चल गया ए का, ठीक है। अब बी के लिए, जब इसने बी पढ़ा तो बी पुश टू, पुश टू का मतलब है पुश इन द स्टैक टू, पुश टू का मतलब है पुश इन द स्टैक टू, और ये फिर दोबारा से रीड करेगा, अगर बी है तो फिर ये रीड करता रहेगा। अगर कोई नल सिंबल ब्लैंक आ जाता है तो हम रिजेक्ट कर देंगे, अगर ब्लैंक आ जाता है तो हम ब्लैंक को भी एक्सेप्ट करते तो एक्सेप्ट करेंगे, अगर ये आ जाता है तो रिजेक्ट कर देंगे, ए नहीं आ सकता बाद में, और ब्लैंक आता है तो रिजेक्ट कर देंगे यहाँ पे। अब ये सी को रीड करेगा, देखिए सी को रीड करने पर क्या कर रहा है, ये पॉप वन, पॉप वन का मतलब पॉप स्टैक वन, पॉप स्टैक वन, ठीक है। ए स्टैक में आउट हो जाएगा, पॉप टू, पॉप टू में क्या होगा, बी आउट हो जाएगा, पॉप टू का मतलब है पॉप स्टैक टू, पॉप ए फ्रॉम द स्टैक वन, पॉप टू फ्रॉम द स्टैक बी, और यहां पे अगर ये आ जाता है तो रिजेक्ट हो जाएगी स्ट्रिंग। अब दोबारा से सी पे जाएगा तो हर सी के लिए एक एक ए और एक बी, दोनों दोनों स्टैक से वो क्या कर रहा है, पॉप कर रहा है, जैसे हमने अभी दिखाया था आपको यहाँ पे सिमुलेट करके कैसे हुआ था, अभी यहाँ हम आपको दिखा रहे थे कैसे स्टैक को कर रहे थे, जो एक आया तो ए में पुश कर दिया, बी आया तो बी दूसरे स्टैक में पुश कर दिया, और उसके बाद फिर हमने सी आते आते दोनों से एक एक स्टैक एक एक करते रहे। अगर ये सी एन होगा और ये एन बराबर होंगे तभी यहाँ पे क्या आएगा, नल आएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे बताया गया है, अगर यहाँ पर अंत में क्या होता है, नल आ जाता है तो पॉप वन पॉप टू, यहाँ पे पॉप क्या करेगा, नल, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर ये ए और बी आते हैं तो रिजेक्ट, क्योंकि अगर नंबर डिफरेंट है, अगर मिसमैच होगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा अपने आप, क्योंकि मिसमैच में क्या होगा, वो तो या तो ए बचा होगा या बी बचा होगा, क्योंकि सी तो हमारा खत्म हो चुका है इस लूप की वजह से, कौन से लूप की वजह से इस लूप की वजह से सी हमारा खत्म हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी बचेगा, मतलब मिसमैच हो गया, या तो ए बचा होगा तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, अगर नल आता है तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो दिस इज द टू स्टैक PDA। इसी को फिर उन्होंने क्या किया है, एक क्वेश्चन आया था, इसको आप घर पर प्रैक्टिस करना, अभी मैं इसको समझाने इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये अभी मैं आपको ऑटोमेटा समझा ही नहीं है PDA, इसीलिए अभी फिलहाल आप इसको ऐसे ही पढ़ लेना बस, फिर मैं जब दोबारा आऊँगा तब मुझे डिस्कस करना, तब मैं बताऊँगा इसको। अब ये कैसे, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये वाला, हाउ वी सिमुलेट द ट्यूरिंग मशीन ओवर टू स्टैक PDA, थ्रू टू स्टैक PDA, हाउ वी सिमुलेट ट्यूरिंग मशीन Using टू स्टैक PDA। ये गेट में भी क्वेश्चन आता है कि ट्यूरिंग मशीन को अगर हमें सिमुलेट करना है तो हमें मिनिमम कितने स्टैक की PDA चाहिए, तो टू स्टैक PDA चाहिए। ये
टोटल क्वेश्चन जो है ये 7 to 10 marks का, 7 marks का तो आता ही आता है, 7 marks का तो आता ही आता है। तो इतना किसी बच्चे को अगर ना समझ में आया हो बेटा तो मुझसे अभी पूछ सकता है, फिर मैं आगे का नया टॉपिक, जो इसी तरह के शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं, इन पे कंट्रोल कर लोगे, थोड़ा पहला पार्ट पढ़ाया हुआ है अभी उस पे करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, 90-95 ऐसे ऐसे मार्क्स आते हैं। अब किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो मुझसे अभी पूछ सकता है। यहाँ तक मैंने इतना पढ़ाया था आपको, समझ में आ गया या आगे चलूं अब मैं? आगे चलें। हेलो स्टूडेंट्स, यस सर, आगे ये समझ में आ गया ना? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना जो आज के हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर ये शॉर्ट नोट्स आते हैं और 7 marks 10 marks के आते हैं, लास्ट की यूनिट में आते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, ये लास्ट का क्वेश्चन होता है जो बहुत इजी होता है, थियोरटिकल नोट्स होते हैं, तो इसमें आपकी कमांड होगी तो आपके मार्क्स अब ऑटोमेटिकली अप हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। बहुत बार पूछी जाती है ये लैंग्वेज, ये बहुत बार टॉपिक पूछा जाता है, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। जब हम ट्यूरिंग मशीन पढ़ेंगे तब तो समझाएंगे इसको, लेकिन इसको आप थियोरटिकल टाइप की तरह से और याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपने नहीं पढ़ी, उसको सीख रहे हैं, इस तरह से याद करनी है। तो जो लैंग्वेज होती है यूनिवर्सल मशीन की, वो होती है LU। यूनिवर्सल लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स विच कैन बी मॉडल्ड बाय अ ट्यूरिंग मशीन। इसको हम ट्यूरिंग मशीन से मॉडल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? द यूनिवर्सल लैंग्वेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पेयर M, W। ये ध्यान रखिएगा, M यहां पे ट्यूरिंग मशीन है और W एक बाइनरी स्ट्रिंग है, सच दैट W belongs to लैंग्वेज ऑफ M। Thus वी कैन से दैट एनी बाइनरी स्ट्रिंग belongs to ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। अब जरा यहां पे समझिए, ट्यूरिंग मशीन U इज ए मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन, U इन ए मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। ये इसका डायग्राम है जो आपको समझना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे टेप्स होते हैं और हर टेप एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, हर टेप एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, हर टेप एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। फाइनाइट कंट्रोल, ये मशीन M है, ये इसकी स्ट्रिंग है, ये स्टेट ऑफ M है। ऐसे ही बहुत सारे ट्यूरिंग मशीन इसके अंदर हो सकते हैं। इसमें होता है M, W का पेयर होता है, बहुत सारे ट्यूरिंग मशीन का कॉम्बिनेशन कर देते हैं इसमें, M1, W1 इस तरह से। तो ये होता है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या होता है? एक्सेप्ट द TMM, द ट्रांजिशन ऑफ MR स्टार्टेड इनिशियली ऑन द फर्स्ट टेप अलोंग विद द स्ट्रिंग W, ऑन द सेकंड टेप द सिमुलेटेड टेप इज M इज प्लेस, हियर द टेप सिंबल XI ऑफ M विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 0 ऑफ I, 0 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड द टेप सिंबल आर रिप्लेस्ड बाय 1s। ऑन द थर्ड टेप वेरियस स्टेट ऑफ मशीन्स आर स्टोर्ड, स्टेट QI रिप्रेजेंटेड बाय I0s। तो ये आपको समझना है, इसकी ऑपरेशंस दी हुई हैं, इसकी ऑपरेशन दी हुई है, ठीक है। तो ये थियोरटिकल पॉइंट है जो आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आएगा, यूनिवर्सल लैंग्वेज और यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, ये शॉर्ट नोट्स में आता है। ये भी आपका 5 to 7 marks का आता है, इतना ही पढ़ना है बस इसमें। इसमें नीचे ऑपरेशन दी हुई है, वो ऑपरेशन भी पढ़नी है। ऑपरेशन एक बार मैं बता देता हूँ क्या है। पहली ऑपरेशन होती है, द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्व केयरफुली टू चेक वेदर द कोड फॉर M इज वैलिड और नॉट, इफ द कोड इज नॉट वैलिड देन यू हॉल्ट विदाउट एक्सेप्टिंग। दूसरा पॉइंट क्या, इनिशियलाइज द सेकेंड टेप फॉर प्लेसिंग द
tape values of M in encoded form. That means for each 0 of the input W, place 10 on the second tape, and for each 0, 1, place 100 there. The blank letters of tape of machine M are represented by 1000. ये second step है. Theoretical है बिल्कुल, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है. ये theoretic, ये research topics हैं जिनको हमें short notes में पूछा जाता है. The third tape stores states of machines, place 0 there as the start state of machine M. The head of the third tape will now position at start state, and head from tape 2 will position at the first simulated call the second tape. इसी तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट थर्ड स्टेप भी दिया हुआ है. तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया. एक बहुत बड़ी चीज पूछी जाती है आपके ऑटोमेटा के पेपर में, तीसरा शॉर्ट नोट है ये, हॉल्टिंग प्रॉब्लम. ये हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे हम ट्यूरिंग मशीन स्टार्ट करेंगे वहां पे हॉल्ट आता है कि मशीन हॉल्ट हो गई. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इससे हम ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेजेस को भी डिसाइड करते हैं. ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेजेस को भी डिसाइड करते हैं. अब हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या है, हॉल्टिंग प्रॉब्लम ये सिमिलर किसकी तरह है, यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह है. वन दैट इज रिकर्जिवली यूनिवेबल बट नॉट रिकर्जिव. इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा सा, रिकर्जिवली यूनिवेबल और रिकर्जिव क्या लैंग्वेज होती है. ठीक है, रिकर्जिव लैंग्वेज वो होती है जैसे एल और एल का कॉम्प्लीमेंट, एल लैंग्वेज और एल का दोनों अगर रिकर्जिवली इन्यूमरेबल हैं, मतलब ट्यूरिंग मशीन द्वारा एक्सेप्टेड हैं, तो ये लैंग्वेज कहलाएगी रिकर्जिव. एल और उसका कॉम्प्लीमेंट, ये क्वेश्चन भी आता है, एल और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर रिकर्जिवली इन्यूमरेबल हैं तो वो रिकर्जिव कहलाएगी. अभी मैं बहुत अच्छे से डायग्राम से आपको समझाऊंगा कि ये रिकर्जिवली इन्यूमरेबल क्या होता है. यस और नो की प्रॉब्लम होती है ये, यस और नो. किसी प्रॉब्लम के बारे में हम यस डिसाइड कर सकें, या तो यस बोल सकें या नो. ठीक है, तो उससे हम अभी हम डिस्कस करेंगे बड़े डायग्राम के थ्रू इनको. अब हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या है, जरा यहाँ पे देखिए इसको, इसने डिफाइन किया है. वी कुड डिफाइन हॉल्टिंग प्रॉब्लम एम फॉर ट्यूरिंग मशीन एम टू बी द सेट ऑफ इनपुट डब्ल्यू सच दैट एम हॉल्ट्स ऑन गिवन इनपुट डब्ल्यू Regardless of whether or not M accepts W. इसका मतलब क्या है, W पे वो halt हो जाएगी, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ेगी. Halt का मतलब है फिर कोई action नहीं करेगी मशीन. Then the halting problem is the set of pairs such that W is in HM. This problem language is another example of one that is recursively universal but not recursive. Halting problem की जो language होती है वो मैंने बताया, ये recursively enumerable होती है लेकिन recursive नहीं होती है. लेकिन रिकर्सिव नहीं होती है. ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा. ये क्वेश्चन है यहां पे प्रॉपर्टी ट्रेवल और अनट्रेवल. फिफ्थ पॉइंट है आपका अनडिसाइडेबिलिटी. ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया है, पेज नंबर 363-664 उलमैन की बुक में दिया हुआ है. अगर आपके पास उलमैन की बुक नहीं है तो मैं इसको निकाल दूँ, इसको निकाल के आपको आज भेज दूंगा फोटो खींच के. अगर उलमैन की बुक है तो 363 और 364 पे आप देख सकते हैं. मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, एवरी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी ऑफ द रिकर्जिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज इज अनडिसाइडेबल. एवरी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी, अब ऊपर चलिए थोड़ा सा. नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी और ट्रिवियल प्रॉपर्टी क्या होती है देखिए. A property of the recursively enumerable languages is the simply a set of recursively enumerable languages. Thus, the property of being context-free is formally the set of all context-free languages. The property of being empty is the set consisting of only the empty languages. A property is trivial if it is either empty or is all recursively enumerable languages. ध्यान रखिएगा, या तो वो ए प्रॉपर्टी इज ट्रेवियल इफ इट इज आइदर एम्प्टी और
इन ऑल रिकर्जिबल इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, अदरवाइज इट इज ए नॉन ट्रेवियल. द एम्प्टी प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ बींग एन एम्प्टी लैंग्वेज. ये दोनों में डिफरेंस है. एम्प्टी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी लैंग्वेज में कोई बींग एम्प्टी लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज एम्प्टी होगी, ये सब दोनों डिफरेंट है. तो राइस थ्योरम क्या कहती है? राइस थ्योरम कहती है हमारी कि एवरी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी ऑफ द रिकर्जिबल इन्यूमरेबल लैंग्वेज इज अनडिसाइडेबल. जैसे ये प्रूफ है इसका, इसी तरह से मैं आपको भी सारे प्रूफ दिखा रहा हूँ डायग्राम के थ्रू. एक बात ध्यान रखना, आपको डायग्राम के थ्रू ही प्रूफ याद करने हैं सबके. रिमेंबर प्रूफ यूजिंग डायग्राम. अगर आपने डायग्राम के थ्रू याद किया तो फिर आपको लिखने में आसानी होगी, लिखने में बहुत बड़ी चीज नहीं होगी. इसका कंस्ट्रक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन. यही मेन चीज है. ट्यूरिंग मशीन में हम प्रूफ कैसे करते हैं? थ्रू कंस्ट्रक्शन मेथड, यूजिंग कंस्ट्रक्शन मेथड. कंस्ट्रक्शन मेथड में क्या करते हैं, हम मशीन बनाते हैं कंबाइन करके और इससे रिजल्ट आउटपुट करते हैं. तो कंस्ट्रक्शन मेथड यूज किया जाता है कोई भी चीज को प्रूफ करने के लिए ट्यूरिंग मशीन में. जैसे कि आप देखिए अनडिसाइडेबिलिटी को कैसे प्रूफ किया है इसने. अगर हमारे पास W कोई लैंग्वेज है, मशीन M उसे एक्सेप्ट कर रही है, तो वो M की लैंग्वेज हो गई. यहाँ पे अब हमें X मिला यहाँ से. अगर ये एक्सेप्ट करेगा, ये इसके साथ ये हमें दिया हुआ है और इसके साथ हमें X को चेक करना है, तो ये एक्सेप्ट करेगा. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एम डैश फॉर द प्रूफ ऑफ राइस थ्योरम. ये राइस थ्योरम का प्रूफ करने के लिए हमें ये लैंग्वेज दी हुई है पहले से, ये एक्स को चेक करना है कि एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी. अगर हम ऐसा सेटअप बना दें कि इसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो ये एक्सेप्ट करेगी. इतनी लेट आ रहा है तबारक, इतनी लेट क्यों आ रहे हो भाई तबारक, इतनी लेट क्यों आ रहे हो? ये लैंग्वेज हैं जो अनडिसाइडेबल हैं, ये लैंग्वेज हैं जो अनडिसाइडेबल हैं. लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन इज एम्प्टी, लैंग्वेज एक्सेप्टेड ट्यूरिंग इज फाइनाइट, वेदर द लैंग्वेज एक्सेप्टेड ट्यूरिंग इज रेगुलर, वेदर द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय टीएम इज सीएफएल. ये अनडिसाइडेबल हैं. अब डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल क्या होती है वो मैं बता रहा हूँ आपको. द क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स विच कैन बी आंसर्ड एज यस आर कॉल्ड सॉल्वेबल और डिसाइडेबल, अदरवाइज द क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स इज सेट टू बी, अदरवाइज द क्लास प्रॉब्लम इज सेट टू बी सॉल्वेबल. नॉट सॉल्वेबल हो गया. इफ ए लैंग्वेज इज रिकर्जिव, अगर कोई लैंग्वेज रिकर्जिव है, रिकर्जिव की प्रॉपर्टी मैं बार बार बता रहा हूँ और ये बार बार आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ. एल और एल का कॉम्प्लीमेंट, ये बार बार बता रहा हूँ, अगर ये दोनों रिकर्जिवली इन्यूमरेबल हैं तो लैंग्वेज रिकर्जिव होगी. ये बहुत बार पूछा जाता है, ये आना ही आना है क्वेश्चन, ध्यान रखना. इफ द लैंग्वेज इज नॉट रिकर्जिव देन सच ए लैंग्वेज इज कॉल्ड, अगर कोई लैंग्वेज रिकर्जिव नहीं है तो वो अनडिसाइडेबल लैंग्वेज होती है, ये ध्यान रखना. अगर कोई लैंग्वेज रिकर्जिव, तो हम क्या कह सकते हैं, रिकर्जिव लैंग्वेज जो होती हैं वो डिसाइडेबल होती हैं. और रिकर्जिव लैंग्वेज कौन सी होती हैं? वो लैंग्वेज जिनका लैंग्वेज एल और उनका कॉम्प्लीमेंट एल रिकर्जिवली इन्यूमरेबल हो. हेलो, किसी का माइक ऑन हुआ है, कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? किसी को क्वेश्चन पूछना है? ओके फाइन, चलिए, कुछ है नहीं पूछने लायक. मैं जो बता रहा हूँ वो देखिए, चर्च थीसिस, ये सबसे छोटी पीएचडी है वर्ल्ड की, वर्ल्ड की सबसे छोटी पीएचडी है ये चर्च थीसिस. इनका केवल ये स्टेटमेंट ही, इनका जो स्टेटमेंट है ना ये वाला,
यही पूरा का पूरा पीएचडी है, केवल 4 लाइन की पीएचडी है इनकी। आज तक कोई इसको क्वेश्चन नहीं कर पाया है, इसीलिए ये वेल प्रूफ, मतलब इसका कोई नेगेटिव प्रूफ नहीं कर पाया, इसको कोई फॉल्स नहीं कर पाया, इसलिए अभी तक अवेलेबल है। तो बाय द 19 द इम्फेसिस वाज ऑन फॉर्मलाइजिंग एल्गोरिथम, ये चर्च के बारे में और ट्यूरिंग के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है ए प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई एन एल्गोरिथम इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी सॉल्व बाई ए ट्यूरिंग मशीन। ये स्टेटमेंट चर्च की पीएचडी थीसिस है। इसको आज इतनी छोटी पीएचडी कोई नहीं हुई लाइफ में, वर्ल्ड में नहीं है कोई इतनी छोटी पीएचडी, ठीक है। ये आपको चर्च थीसिस याद रखनी है। अब देखिए, मैंने अभी आपसे बताया था रिकर्जिव लैंग्वेज क्या होती है और रिकर्जिवली इन्यूमरेबल, अभी हम पढ़ते हैं इसको क्या होता है। रिकर्जिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, ए लैंग्वेज एल प्रॉपर सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार रिकर्जिवली इन्यूमरेबल एग्जिस्ट ए ट्यूरिंग मशीन। अगर ऐसी कोई ट्यूरिंग मशीन बना दें जो इसको एक्सेप्ट कर ले, जो ट्यूरिंग मशीन उसको एक्सेप्ट कर ले। और रिकर्जिव लैंग्वेज कौन सी होती है, इफ लैंग्वेज एल belongs to sigma star is recursive if there exists some TM Turing machine M that satisfy the following two conditions। अगर कोई language के लिए हम Turing machine बना सकते हैं तो वो recursively enumerable होती है। लेकिन recursive कौन सी होती है, जो अगर कोई string, ये क्या बताएगा हमको, ये हमको बताएगा recursive के अगर वो W belongs to L तो ट्यूरिंग मशीन बन जाएगी, ट्यूरिंग मशीन एम हमारे पास अवेलेबल होगी। लेकिन अगर W डज नॉट बिलोंग्स टू L तो यह कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। इसी तरह से रिकर्जिव लैंग्वेज क्या होती है, रिकर्जिव लैंग्वेज को अगर आप देखें तो रिकर्जिव लैंग्वेज में पहले से ही बोलता आ रहा हूं, इफ अगर W बिलोंग्स टू L, ये L हो गई, सॉरी ये W बिलोंग्स टू L, ये L हो गई, M एक्सेप्ट W एंड होल्ड्स मशीन एम, एम मतलब ट्यूरिंग मशीन उसको एक्सेप्ट कर रही है और हॉल्ट हो जा रही है। अगर वो नहीं बिलोंग कर रही है तो ये एल का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये एल हो गया और ये एल का हो गया कॉम्प्लीमेंट, एल का कॉम्प्लीमेंट उसके लिए भी वो हॉल्ट हो जाती है। तो हम कहते हैं ये रिकर्सिव लैंग्वेज है, मतलब एल को भी एक्सेप्ट करे और उसके कॉम्प्लीमेंट को भी एक्सेप्ट करे। हॉल्टिंग मतलब एक्सेप्ट ही होता है, विदाउट रीचिंग एन एक्सेप्टिंग स्टेट, एक्सेप्टिंग स्टेट पे जाने की जरूरत नहीं है, हॉल्ट्स मतलब एक्सेप्टेड। ए प्रॉब्लम विद टू आंसर्स यस और नो इज डिसाइडेबल इफ द करेस्पॉन्डिंग लैंग्वेज इज रिकर्जिव। देखो फिर वही क्वेश्चन, वही चीज दूसरे तरीके से बोल दी उसने, ए प्रॉब्लम विद टू आंसर्स यस और नो इज डिसाइडेबल if the corresponding language is recursive, in this case language L is called decidable। दोबारा से वही दिया, a problem language is undecidable if it is not decidable। ये question पूछा जाता है कि undecidable क्या होता है, अगर undecidable language पूछा जाता है तो आपको ये पूरा का पूरा definition देना पड़ेगा, यहाँ से पूरा जो मैंने समझाया अभी ये पूरा देना पड़ेगा आपको, ये आपको यहाँ से पूरा देना पड़ेगा क्या है undecidability। इसी से ये दो लैंग्वेज, दो लाइन बाद में आपकी आ जाएंगी। अब आगे चलिए, देखिए ए एल इज रिकर्जिव लैंग्वेज देन एल डैश इज ऑल्सो ए रिकर्जिव लैंग्वेज। सिंपल सी बात है, अगर एल एक रिकर्जिव लैंग्वेज है तो एल के लिए भी एम होगी, मतलब एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, और एल के कॉम्प्लीमेंट के लिए भी एम होगी जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेगा। देखिए तो एम ये रही और एम डैश ये रही, दोनों को ये कंस्ट्रक्शन किया इसने, इस तरह से प्रूफ कंस्ट्रक्शन है इसमें, मैंने पहले बताया ट्यूरिंग मशीन में प्रूफ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो एम कोई लैंग्वेज आई, एम एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है, इसके ऊपर एक और मशीन लगा दी हमने एम डैश, वो एक्सेप्ट को रिजेक्ट करेगा और रिजेक्ट को एक्सेप्ट करेगा। तो एम इज एक्सेप्टेड बाई एम, एम डैश इज इक्वल टू एक्सेप्टेड बाई एम डैश। तो ये होगी आपकी
दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखिए जो हमने अभी बताया, ये बार बार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। इफ ए लैंग्वेज एल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट एल बोथ आर रिकर्जिवली इन्यूमरेबल, रिकर्जिवली इन्यूमरेबल का मतलब होता है एक्सेप्ट करेगा, रिकर्जिवली इन्यूमरेट में एक्सेप्ट करता है, देन एल इज ए रिकर्जिवली लैंग्वेज। जैसे एम वन ये है और हमने कोई डब्ल्यू स्ट्रिंग दी तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्यूरिंग मशीन, इसका इसका ये ट्यूरिंग M2 जो है वो M1 का कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए जो यहां पे एक्सेप्ट करेगा ये W को एक्सेप्ट करेगा और ये किसको एक्सेप्ट करेगा, W, W बिलोंग्स टू लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, ये W नॉट बिलोंग्स टू L को एक्सेप्ट करेगा, और दोनों को कंबाइन करके एक मशीन बना दें तो एक्सेप्ट भी हो रही है और रिजेक्ट भी हो रही है। तो रिकर्सिव लैंग्वेज में दोनों चीजें होती हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों बताता है, अगर रिजेक्ट हो रही है तो रिजेक्ट बताएगा, एक्सेप्ट हो रही है तो एक्सेप्ट बताएगा, लेकिन रिकर्सिवली इन्यूमरेबल में केवल एक्सेप्टेंस बताता है, रिजेक्शन नहीं बताता है, रिजेक्शन नहीं बताता है, ध्यान रखिएगा रिजेक्शन नहीं, नो रिजेक्शन इज नॉट गिवन इन रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो ये मशीन एम है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, तो W जो बिलोंग कर रहा है, जो नेगेटिव होगी, जो बिलोंग नहीं करेगी वो M2 में जाएगी, दोनों एक्सेप्ट करते हैं, रिकर्सिवली प्रॉपर्टी होती है RE की, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल की, और ये एक्सेप्ट हो रहा है, पूरी दो मशीन हमने कंबाइन कर दी, तो ये एक्सेप्ट करेगा और इसको रिजेक्ट करेगा। अब थोड़ा ये टॉपिक देखिए, ये टॉपिक पूछा गया है कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस, कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी क्लास होती हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये पी, पी मतलब होता है पॉलीनोमियल टाइम, उन जिन प्रॉब्लम को हम पॉलीनोमियल टाइम में सॉल्व कर पाए, पॉलीनोमियल टाइम क्या होता है माधवम, माधवम माधवम है कि नहीं, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है सर, पॉलिनोमियल को किसको कहते हैं, हेलो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं सर, अच्छा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं जानते हो, बाइनोमियल जानते हो, बाइनोमियल ये कौन सी थ्योरम होती है सर, पॉलिनोमियल वही है जिसमें एक से ज्यादा सर, हाँ बोलिए, हेलो बोलो बोलो, हेलो बोलिए, सुन रहा हूँ मैं, हेलो आवाज आ रही है मेरे पास, हेलो हाँ बोलिए, अच्छा सर पॉलिनोमियल वही होता है जिसमें एक से ज्यादा मतलब डिग्री ज्यादा होती है, मोर देन एक्चुअल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये है क्या, ठीक है, और एनपी का मतलब होता है नॉन नॉट पॉलिनो, जो प्रॉब्लम हम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल टाइम में सॉल्व हो रही है मान लीजिए, ठीक है, तो उनको बोलते हैं नॉन पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है। तो पी मतलब, पी प्रॉब्लम मतलब पॉलिनोमियल, वो प्रॉब्लम जो ट्यूरिंग मशीन के द्वारा पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होती हैं। एनपी में क्या है, प्रॉब्लम तो सॉल्व होती है लेकिन नॉन पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होती है, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरी कौन सी होती है, को एनपी, फिर पी एस, फिर रिकर्जिव, रिकर्जिव लैंग्वेज सबका सेट होता है, ये डायग्राम याद कर लेना आप लोग, ये दिया हुआ है। पी क्या होती है, द लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेबल इन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम फ्रॉम ए नेचुरल एंड इंपोर्टेंट क्लास एंड वी डिनोट इट इज, देखिए ये लिखी हुई है डी टी एन की पावर आई ए एक्स स्क्वायर, इस तरह से जो होती है, और ये होता है नॉन पॉलिनोमियल जिसमें कि हम क्या कर सकें,
नॉन डिटर्मिनिस्टिक टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, डिटर्मिनिस्टिक टाइम और नॉन डिटर्मिनिस्टिक टाइम। ये क्वेश्चन है, इट इज ए स्टिल प्रॉब्लम, इट इज स्टिल ए ओपन प्रॉब्लम। पी इजिकल टू एन पी, पी इजिकल टू एन पी होगा कि नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है। और एक होता है सॉल्व, एक क्वेश्चन आता है एन पी कंप्लीट के बारे में, नोट्स लिखिए, शॉर्ट नोट्स ऑन एन पी कंप्लीट। तो जरा ये डायग्राम याद कर लेना आप लोग, ये पी है, ये एन पी है, और इसके बीच में यहीं पे लाई करती है वो एन पी कंप्लीट। दोनों के बीच में जो लैंग्वेज होती है वो एन पी कंप्लीट प्रॉब्लम होती है। एन पी कंप्लीट प्रॉब्लम क्या होती है, ए डिसीजन प्रॉब्लम पाई इज एन पी कंप्लीट इफ पाई बिलोंग्स टू एन पी एंड एनी अदर डिसीजन प्रॉब्लम पाई डैश बिलोंग्स टू एन पी इज पॉलिनोमियली टाइम रिड्यूजेबल टू पाई। हम किसी दूसरी डिसीजन प्रॉब्लम को पाई डैश को जो कि नॉट नॉन पॉलिनोमियल टाइम में है उसको रिड्यूस कर दें पाई में, तो वो एन पी कंप्लीट प्रॉब्लम होती है। ये क्वेश्चन, ये डेफिनेशन पूछी जाती है। थोड़ा आगे चलते हैं, एक चीज और मैं दिखाना चाह रहा था अभी आपको। कुछ प्रूफ्स थे वो मैं दिखाना चाह रहा था कंस्ट्रक्शन के थ्रू, नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आप बिना कुछ किए इनको तैयार कर सकते हो, और कम से कम 20-25 मार्क्स आपके मतलब बिना किसी तैयारी के हो गए आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनपे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है, थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन करना है और ये हो जाएगा आपका। देखिए मैं एक दूसरा चीज दे रहा हूँ आपको, अब आ रहे हैं डबल रस्तोगी, कैसे काम चलेगा। एक बार मैसेज डाल दो जरा ग्रुप पे, आ जाएं सब लोग, ज्वाइन कर लें, इससे कि मैं रिवाइज करा दूंगा थोड़े दो मिनट में। देखिए ये क्वेश्चन मैं कराने बता रहा था आपको, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, ये मैंने पिछली बार भी शॉर्ट नोट्स में दिए थे, जरा मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ा आराम से। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिकर्जिव सेट इज रिकर्जिव, लेट एल बी ए रिकर्जिव सेट एक्सेस। ये कंस्ट्रक्शन मेथड के थ्रू होते हैं सारे प्रूफ, ये बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, इसे नोट कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन मशीन कंस्ट्रक्शन की जाती है तभी हम प्रूफ कर पाते हैं। एक बार को थ्योरी लिखोगे, थ्योरी अपने आप लिख सकते हो स्टेप बाई स्टेप, लेकिन डायग्राम अगर सही हुआ तो वो क्वेश्चन सही कर देगा आपका। विच हॉल्ड्स ऑन ऑल इनपुट्स, रिकर्जिव लैंग्वेज में क्या होता है, अगर एक्सेप्ट हो रही है तो यस बताएगा, नहीं आ रही है तो नो बताएगा, और रिकर्जिवली इन्यूमरेबल में क्या होता है, केवल एक्सेप्टेंस बताता है, रिजेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहता है। अगर ये एम है तो इसका हमने क्या बना दिया, हमने यहां पे इसको क्या कर दिया, एम का कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो एम को अंदर रखा, एक दूसरी मशीन देखो बना दी इसने, इसको इस डिब्बे में बंद कर दिया, क्या कर दिया, उसके जो आंसर आ रहे थे उनको अपोजिट कर दिया, यस को नो कर दिया और नो को यस। तो देखिए ये एम बार जो है वो इंप्लीमेंट हो गई, तो एल बार इज रिकर्जिव, रिकर्जिव मतलब एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट, और एम बार में क्या होगा, जो एक्सेप्ट हो रही होगी वो नो हो जाएगी, जो नो हो रही होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी, और ये हो जाएगा एम का कॉम्प्लीमेंट के लिए भी। हमने उसी तरह की मशीन बना दी जिसमें दोनों आंसर आ रहे हैं, हर स्ट्रिंग के लिए वो आउटपुट दे रहा है, एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो ये ऐसी लैंग्वेज कौन सी होती है, रिकर्जिव लैंग्वेज होती है। दूसरा देखिए, द यूनियन ऑफ टू रिकर्जिव सेट्स इज रिकर्जिव, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, द यूनियन ऑफ टू रिकर्जिव सेट्स इज रिकर्जिव। यूनियन कैसे किया, एम वन और एम टू यूनियन कर दिया इसने, अगर ये यस है तो यस रहेगा, अगर नो है तो नो का नो को ये यस और नो करेगा,
फिर यस और नो, ये दो का वो हो गया। इस तरह से डायग्राम बनाना है इसका। फिर ये क्वेश्चन आ गया, अगर L1 L2 दो रिकर्जिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज हैं, रिकर्जिवली इन्यूमरेबल के लिए सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं आपको, बार बार बोल रहा हूं, आर ई रिकर्जिवल इन्यूमरेबल क्या होता है, जो ये तो बता दे कि W बिलोंग्स टू L, लेकिन W डज नॉट बिलोंग्स टू L के लिए कोई आंसर नहीं होता इसके पास। और रिकर्जिव में क्या होता है, बार बार बता रहा हूं, W बिलोंग्स टू L के लिए भी आंसर होता है और W डज नॉट बिलोंग्स टू L के लिए भी आंसर होता है। ये केवल यस का आंसर देती है और ये यस और नो दोनों बताती है। ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको, रिकर्जिवली दोनों होती हैं। तो एक ये बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है, डायगनल लैंग्वेज होती है जिसे बोलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको मैं बाद में डिस्कस भी करूंगा एक बार। ये डायगनल लैंग्वेज जो होती है वो रिकर्जिवली इन्यूमरेबल होती है, ये पढ़ लेना नोट्स में। ये डायगनल लैंग्वेज जो होती है वो रिकर्जिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज होती है। ये राइस थ्योरम का प्रूफ है, ये राइस थ्योरम मैंने भेज रखी है। ट्रिवियल प्रॉपर्टी एफ ऑफ रिकर्जिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज अनडिसाइडेबल, ये होती है राइस थ्योरम, और राइस थ्योरम का प्रूफ यहाँ पर दिया हुआ है पूरा। ये राइस थ्योरम का प्रूफ पूछा जाता है, राइस थ्योरम का प्रूफ हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट तो दो नंबर में आएगा, प्रूफ आएगा सात नंबर में, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन मेथड के थ्रू ही तैयार करेंगे। ये नॉट डिसाइडेबल है, ये कभी कभी पूछा जाता है कि कौन कौन सी लैंग्वेज नॉट डिसाइडेबल है, तो ये आपको लिस्ट बना के देनी होती है कौन कौन सी। तो ये आपको पूरा नोट कर लोगे, यहां से लिख लोगे। तो ये आपका था शॉर्ट नोट्स जो आपके काम आएंगे। अब दोबारा से एक थ्योरी और रह गई है, उसे हम अगली बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है, उसमें किसी ने पढ़ा होगा रिकर्जिव फंक्शन थ्योरी है, उसको हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, वही टॉपिक रह गया, वो बात थोड़ा लंबा टॉपिक है, अगर किसी बच्चे को परेशानी है तो वो पूछ सकता है। शॉर्ट नोट्स हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं इनमें, एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत जरूरी। हाँ हाँ भेज दिया, हाँ दोनों के पीडीएफ भेज दिए, ठीक है ठीक है। फिर क्लास क्लोज करते हैं, सोमवार को मिलेंगे हम, उसमें नया टॉपिक पढ़ाएंगे, पीडीए पढ़ाएंगे पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा मंडे को, ठीक है। ओके बाय बाय।